आलू का भाव जब बढ़ जाता है तब भी हम यानी आप लोगों तक टेलीकास्ट करके दिखाते हैं। और जब आलू का भाव बढ़ जाते हैं किसान को और आलू की जो स्टॉकर है उनको दो पैसा जब मिलता है तब भी हम यानी इंडिया पोटैटो आप लोगों तक बंगाल और यूपी का कोना कोना घूम के आलू का सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। दोस्तों आज का दिन है 8 जुलाई 2024 सोमवार, हफ्ता की पहले दिन। कल रथ यात्रा थी तो आज बंगाल में मार्केट खुल गया है, कल संडे था। तो आज पश्चिम बंगाल में आलू का क्या स्थिति है, कौन कौन सी वैरायटी की आलू का क्या रेट है, इन सभी प्रश्न की उत्तर जानने के लिए अभी हम आ चुके हैं पश्चिम बंगाल की हुगली जिले की पुरशुरा पुलिस स्टेशन अंडर की पश्चिम पारा मुकाम की डीहीबातपुर कोल्ड स्टोरेज में। तो दोस्तों इस डीहीबातपुर कोल्ड स्टोरेज जो पश्चिम पारा मुकाम है यहाँ पे ज्योति केसीएम यानी चंद्रमुखी हिमांगिनी कोलंबो सभी वैरायटियों का आलू मिलती है। तो यहाँ पे आज आलू का क्या रेट है, आलू का क्या स्थिति है, मार्केट के हाई की तरफ है या थोड़ा डाउन हुआ, चलिए इनके बारे में अभी जान लेते हैं इस मुकाम की एक जाने माने आलू व्यापारी साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? अमिय कुमार भाई जी। ओके, तो सर जी ये दादा के हाथ में जो आलू है ये क्या ज्योति है? ज्योति वैरायटीज है। केसीएम है। इसका आज क्या रेट है? केसीएम का रेट है 1520 रुपया 30 रुपया 1520 से 1530 रुपया पर पैकेट, 50 किलो का। हाँ जी। अच्छा, और ये क्या ज्योति है? ये क्या ज्योति, ज्योति आलू का क्या रेट है? 1400 रुपया पर कट्टा। डाला फुल डाला, हाई क्वालिटी आलू। और अदर जो जितना भी वैरायटियों का आलू मिलती है यहाँ पे, जैसे कि हिमालिनी है, थोड़ा कोलंबो है, उसका क्या रेट है? कोलंबो ज्योति से 30 रुपया ज्यादा है। और हिमालिनी ज्योति से सेम रेट है, ज्योति से सेम ही रेट है। ओके, और ज्योति आलू यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलती है। और ज्योति आलू का जो मीडियम और ये और भी जो आप लोग माझारी कहते हैं गुल्ला, उसका क्या रेट है? गुल्ला रेट में आज 1000 रुपया पर कट्टा। अच्छा, और एकदम जो कैट छाट ये वाला, छाट को 100 रुपया 50 रुपया थोड़ा डाउन होगा। अच्छा, तो आज मार्केट ओवरऑल क्या हाई की तरफ है क्या थोड़ी डाउन? मार्केट स्टेबल है, मतलब शनिवार जो था बिफोर 7 डेज और मार्केट ऊंची हो गया, 70 रुपीज ऊंची हो गया, इसके लिए आज मार्केट स्टेबल है। मार्केट सेम ही रहेगा। हमारे गौड़ आलू का जो गौड़ आलू मिक्स्ड आलू जो बोलते हैं वो, उसका मार्केट थोड़ा कम है। मिक्स्ड आलू का क्या रेट है आज? ज्योति का 1200 रुपया क्विंटल था, 2400 नहीं 2400 रुपया क्विंटल था। अच्छा, आज भी वही है, आज के थोड़ा 20 रुपया डाउन है। अच्छा, यानी थोड़ा कम है क्विंटल पे। 20 रुपए पैकेट में 10 रुपया। हाँ, 10 रुपए। अच्छा, ये मुकाम में मेनली आज बॉन्ड का क्या कीमत है? बॉन्ड 1100 रुपया पर कट्टा, 1100 पैकेट। हाँ, ज्योति आलू का। हाँ, ज्योति आलू का, ज्योति को छोड़ के। हाँ, ज्योति आलू कैसे हम का 1300-1200 रुपया। अच्छा, 1200 रुपया। और जो हिमालयनी और कॉलम, हिमालयनी और ज्योति का सेम रेट है। सेम रेट है। अच्छा, ये भी बॉन्ड का प्राइस भी सेम है? हाँ, बॉन्ड भी प्राइस, इस पे भी कोई गिरावट या फिर उछाल नहीं है? नहीं। अच्छा, कोल्ड कितना है आपके मुकाम में, ये जो पश्चिम पारा मुकाम है यहाँ पे कोल्ड कितना? हमारा यूनिट में तीनों कोल्ड स्टोरेज है। नाम बता दीजिए। डीहीबातपुर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, केलेपाड़ा किसान हिमगढ़ प्राइवेट लिमिटेड, और कृषक बंधु समवाय हिमगढ़। इन तीनों कोल्ड में आलू रखने का कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी 680 रुपया 680,000। अच्छा, पैकेट। अच्छा, और इस साल कितना? इस साल लोड हुआ 650,000। 650,000 वो करीब 90% आसपास, 90% आसपास लोड हो गया। अच्छा, और अभी तक कितना निकासी हो चुका 30 जून 2024 तक कितना निकासी हुआ? 24% हुआ। 24%। और सिर्फ आज इन तीनों कोल्ड में से कितना आलू निकला? आज निकला डीहीबातपुर कोल्ड स्टोरेज 1095 पैकेट, केलेपाड़ा किसान हिमगढ़ 1450, और कृषक बंधु हिमगढ़ 400 पैकेट। कहाँ कहाँ जाके बिकता है यहाँ से आलू? ये आलू टोटल कलकत्ता, एडेड कलकत्ता। ओके, कलकत्ता एडेड कलकत्ता, थोड़ा साउथ 24 परगना, थोड़ा हावड़ा मार्केट में जाएगा, सभी मुकामों कुछ कुछ आलू मैदापुर में जाएगा। और अदर स्टेट को आलू, इधर गौड़ आलू बहुत कम है, इसके लिए पुरशुरा थाना में कुछ आलू उड़ीसा जाता, झारखंड जाता। अच्छा, लेकिन ये यूनियन में कोई डाल आलू
छोड़ के अदर वैरायटीज हुआ नहीं। अच्छा, तो मेनली ये जो बाजार में जो स्टेबल दिख रहा है, बाजार जो स्टेबल है, इसका मेन कारण क्या है? डिमांड नहीं है आलू का? आलू स्टेबल है मार्केट, डिमांड थोड़ा डिमांड है, इसके लिए कम बिकने के बाद आलू डिमांड कम है। अच्छा, इस महीने के अंत तक आपका जो आपका यूनिट का जो टोटल निकासी है, तीन कोल्ड का टोटल मिला के कितना होगा? 36 क्रॉस करेगा? एक्सपेक्टेड 36 होगा, 12% होगा। अगर ये जुलाई में हर महीने पे अगर 12% आलू निकासी होती रही तो क्या आलू ऐसा ही भाव रहेगा? ऊंचा, ये जो ऊंचा वाला प्राइस है यही रहेगा? नहीं, हमारा एक आलू होगा हमारे कर्नाटक में हसन। अच्छा, वो आलू 70% चास हुआ, बारिश में 30% आलू डैमेज हो गया, इसके लिए मार्केट ऊंची होने का चांस है। मार्केट आफ्टर अगस्त 15 तारीख तक मार्केट ऊंची होने का चांस है। अच्छा, 100 रुपया के 150 रुपया चांस है। अच्छा, तो हमारा जो बोलिए बोलिए, यदि आलू निकासी ठीक ठाक चल रहा है, यदि निकासी कम होगा तो आलू बढ़ने का कोई चांस नहीं। अच्छा, ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में इस वक्त आलू का प्राइस हाई है, और खास करके पश्चिम बंगाल पे आलू का प्राइस कम है, लेकिन आदर्श हरी सब्जी यानी वेजिटेबल का प्राइस काफी ऊंचा है। इसका मेनली कारण क्या है? कारण है बहुत बारिश हुआ, ऑल इंडिया में बारिश ज्यादा हुआ। यूपी में मार्केट 37-97 काल का मार्केट परसों का शनिवार का मार्केट 1450 रुपया पर कट्टा, और खेती आलू का 1200 रुपया पर कट्टा। वेस्ट बंगाल एक ही सेम पोजिशन चल रहा है ऑल इंडिया बारिश होने के बाद, लेकिन सब सब्जी नष्ट हो गया। बैगन 150 रुपया किलो, इसी के लिए अदर सब्जी सभी 100 रुपया का उच्च हो गया, इसी के लिए आलू ही कम रेट है बंगाल में। काफी साल बाद ऐसा देखने को मिला, जैसे जिस साल में आगरा और आपकी बंगाल का जो कोतुलपुर वो करीब सेम मार्केट है, सेम मार्केट है, ऐसा बहुत साल बाद ऐसा देखा गया। हाँ। तो ऑल ओवर इंडिया में जो आलू का जो स्टॉकर है, सभी को अगर अच्छी भाव मिले, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? बिफोर 4 इयर्स व्यापारी किसान बहुत लोकसंख्या है, पिछले साल आप देखा 800 रुपया बॉन्ड 200-300 रुपया हो गया, 21 साल में लॉस हुआ, 22 साल में लॉस हुआ, 23-23 साल लॉस हुआ, ओनली 20 साल थोड़ा लाभ हुआ था किंतु, लेकिन आलू कम रिलीज होने के कारण लास्ट में 300 रुपया बॉन्ड हो गया, बहुत लोकसंख्या किया चासी और व्यापारियों को स्टॉकिस्ट, तो इसी के लिए इस साल किसान थोड़ा लाभ का मुख देखेगा और भविष्य व्यापारियों का थोड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन मुनाफा ज्यादा हुआ नहीं, 20-25% मुनाफा हुआ। देखिए सर, अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए सुन, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आलू के बारे में या पंजाब बीज के बारे में कुछ? आप पंजाब बीज का बंगाल में मार्केट ऊंची होने के कारण पंजाब में ऊंची हो गया, वो ज्योति पहले 1300 रुपया 1400 रुपया कुछ आलू 1500 रुपया बुकिंग हो गया, किंतु वर्तमान में 1800-2000 रुपया मांगता, इसी के लिए मार्केट बहुत ऊंचे हो गया। किसान को एक ही वार्ता देगा, जो आप देखने आलू के लेगा, ज्योति आलू पंजाब में ज्यादा है, इसी के लिए पंजाब समझे का खरीद करना चाहिए। और जो वेराइटीज आलू कोलंबो और जो हिमालयन बंगाल में बहुत ज्यादा डिमांड है, इसके लिए मार्केट 1000 रुपया बढ़ गया। अच्छा, 1000 रुपया बढ़ गया, यानी इस साल आलू बीज बंगाल में उच्ची दाम पे ही बिकेगा आपको लगता है? हाँ, बिकेगा लगता है, लेकिन हम किसान को बोलता आपको खुद देखने का बाद आलू किनेगा खरीद करेगा। अच्छा, यानी आलू का क्वालिटी कैसा है और ये मार्का कैसा है, ये देख के आलू। हाँ, आलू देख के किनेगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी हमारे इंडिया प्रोडक्ट की ओर से, आपको धन्यवाद करके आप सभी को, हम हमारे पश्चिम भारत स्वालक आलू बहुत कल्याण समिति से आपको धन्यवाद इंडियन पोटेटो को।
तो दोस्तों अभी देखा कि बंगाल में आज के दिन में आलू का क्या स्थिति है, खास करके हुगली जिले की। तो कल किसी और जगह की ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल के माध्यम आप जानना चाहते हैं, खास करके बंगाल और यूपी का, इसलिए हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद, जय किसान।